हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। हमारे डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर वी ट्राई टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट के लिए आपको फंडामेंटल उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो हम इवेंट्स आपके लिए कवर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, विच इज़ यू कैन से कल RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बहुत ही यू कैन से सरप्राइज कर दिया सब लोगों को, ठीक है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है समझना। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेकेंड इवेंट विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 21। बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया, वो जजमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें तो भारत लेकिन से किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें समझ में आएगा कि भारत आर्टिकल नंबर 21 को कितना ब्रॉड बनाने की कोशिश कर रहा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट आवर रैंकिंग इन वर्ल्ड फ्रीडम लेकिन से इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू व्हाट शक्तिकांता दास डिड यस्टरडे सरप्राइज द मार्केट। दोस्तों, RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास का काम मार्केट को सरप्राइज करना नहीं है, ठीक है, उनका काम है देश की अर्थव्यवस्था में डेली और डे टू डे बेसिस के ऊपर कैश मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, ठीक है। सो RBI मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करती है, पूरा देश का जो मनी का मूवमेंट है, ठीक है, साल भर का, विच इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, वो काम है फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है, वो काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पावर किया है RBI को एक लॉ के द्वारा कि RBI जी, आप हमारे लिए डे टू डे मैनेजमेंट करके बताइए, लिक्विडिटी करके बताइए, बिकॉज यू आर यू कैन से वेरी नियर टू द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आपका काम है ये करना। तो RBI ने बोला, जी आपकी बात हम सर आंखों पर मान के चलते हैं और ये मेहनत करते हैं, ठीक है, साल में 6 बार दे कम अप विथ मॉनेटरी पॉलिसी, एक बार नहीं आती है, साल में 6 बार आती है, विच मीन्स हर 2 महीने में एक बार आती है, ये सुनो, हमारा लेकिन से जो फाइनेंशियल ईयर है वो चालू होता है अप्रैल, सो अप्रैल और मई, ठीक है, ये 2 महीना हुआ, देन वी हैव लेकिन से जून जुलाई, सो आप सोचेंगे सर अभी तो वापस करीबन 2 महीने तो हुए नहीं थे, ठीक है, अचानक, ठीक है, वी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वी कैन से मॉड्यूल ऑन 5th, सो 4th ऑफ मई को RBI के शक्तिकांता दास ने ये मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में अनशेड्यूल्ड मीटिंग करके अनाउंस किया और पूरा मार्केट टूट गया, मार्केट ने बड़ा रिस्पॉन्ड करा, ठीक है। दोस्तों, RBI के गवर्नर साहब ने किया क्या, ठीक है, पहले वो समझते हैं और उसके बाद जो उन्होंने किया उसके पीछे के कारण क्या है और उसके बाद जो उन्होंने किया वो जस्टिफाइड है कि नहीं, ये 3 महत्वपूर्ण सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं RBI ने किया क्या। RBI का काम है मनी सप्लाई मैनेज करना, लिक्विडिटी मैनेज करना। लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए RBI एगेन से के पास अलग अलग मेथड है, 3 मेथड है, एक है पॉलिसी रेट, ठीक है, फिर दूसरा होता है रेशियोस, ठीक है, एंड तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करना। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करना? वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ ह्यूज यू कैन से कंट्री वेयर GDP इज पॉसिबली यू कैन से वर्ल्ड के 3rd नंबर पे आते हैं, तो वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ी पावरफुल है और पैसों का फ्लो उस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा होता है और इसीलिए RBI उन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल लगाती है। कभी कभार RBI डायरेक्टली मार्केट में आकर भी काम कर सकती है, पर अभी क्योंकि बैंक की सिस्टम चल रही है, इंटरमीडियरी है बैंक, ठीक है, तो वो वहाँ से कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है, किसको? लिक्विडिटी को। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। कौन करता है? RBI, ठीक है। कैसे करता है? 2 तरीके, वन इज कॉल्ड रेपो रेट एंड अदर इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज बेसिकली द बैंक्स कैन बोरो मनी, ठीक है, बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI इन अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 दिन 2 दिन 7 दिन 14 दिन 15 दिन, ठीक है, 1 महीना, उतने समय के लिए दे कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI। RBI इज गिविंग देम बिगिन से लोन। नाउ यू मे वंडर कि उनको लोन क्यों चाहिए,
भाई लोन बिजनेस करते तो रोज कहीं ना कहीं कैश का मैनेजमेंट करने के लिए सबको लोन चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए, भले वो SBI हो या ICICI हो, HDFC हो, सबको चाहिए, ठीक है, टेम्पररी चाहिए, कभी वो अंदर अंदर बैंकों से लेते हैं, कभी कभार वो RBI से लेते हैं, तो RBI से क्या रेट पे लेंगे, और वो रेट बन जाता है एक बेंचमार्क रेट, क्योंकि RBI सबसे कम दाम पे देगा, तो वो बेंचमार्क रेट अभी तक इंडिया में काफ़ी समय से है ना अभी तक का लोएस्ट चल रहा था, ठीक है, कितना चल रहा था 4% लोएस्ट चल रहा था, इट हैज़ बीन मोर देन यू कैन से सम राउंड, ऐसा आप मान के चलो कि करीबन यू कैन से 2022 महीनों से ये 4% पे चल रहा था, ठीक है, 4% पे रखने का मतलब क्या, लोएस्ट रखने का मतलब क्या, लोएस्ट का मतलब हो गया बैंक बहुत आसानी से RBI से लोन ले सकती है ना, अगर बैंक आसानी से RBI से लोन ले सकती है तो इन टर्न बैंक क्योंकि इंटरमीडियरी है तो आपको और मुझे बहुत आसानी से लोन देगी, हमें आसानी से लोन मिलेगी, मतलब मार्केट में आसानी से पैसे अवेलेबल होंगे, मार्केट में आसानी से पैसे अवेलेबल होंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, सही बात है, वेरी गुड, ठीक है, अब लिक्विडिटी बढ़ती है कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, कहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई का दर, व्हाट इज महंगाई का दर, ठीक है, टू मच मनी फैचिस टू फ्यू गुड्स, विच मीन्स आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारा पैसा है, सामने गुड्स कम है तो पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन, एक बड़ा राक्षस है इन्फ्लेशन जो खा जाता है, ठीक है, आपके पैसे की वैल्यू को, दैट इज हाउ दी यू कैन से इन्फ्लेशन इज, तो उस इन्फ्लेशन की जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, उसके पीछे के बड़े बड़े कारण हैं, ठीक है, हम उसके कारण देखेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई इन्फ्लेशन इज स्पूकिंग द वर्ल्ड, नॉट ओनली अवर कंट्री, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो स्पूकिंग द वर्ल्ड, सो ये इन्होंने किया रेपो रेट को 4 की जगह पे अगेन से 40 basis point, कितना बढ़ा दिया 40 basis point, नाउ व्हाट इज बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया कि आपको और मुझे अगर इंटरनल कुछ बात करनी है तो हम उसको समझ पाए इजी वे में, हम क्रिस्टल क्लियर बात पे पहुंच पाए, इसलिए ये टर्म की इजाद करनी पड़ी, बेसिस पॉइंट, ठीक है, सो व्हेन दे से 40 basis point, ठीक है, इट्स एस 0.4%, ठीक है, ओके, सो अगर वो लोग बोलते 0.4% से बढ़ा दिया तो क्या होगा, सो पॉसिबली विल गेट कन्फ्यूज कि भैया वो जो 0.4% है वो किसके बारे में बात कर रहे हो आप, 0.4% ऑन 4, तो 4 का 0.4% बिकम्स 0.16%, थोड़ा मैथमेटिकल कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर क्लैट वालों ने एक पेपर दिया था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने से एक्सपेंसेस के बारे में एम्बिग्यूअस लेकिन से सेंटेंस डाल दिया था जो कंफ्यूज हो गया पूरा देश, है ना, क्या करे, उन्होंने उसको डिस्कार्ड नहीं करा, बोला ऐसा बोला कि हमने 2-3 अच्छे अच्छे मैथ के प्रोफेसर से बात करी, उन्होंने बोला सब बात तो सही है, मतलब कुछ भी बोला उन्होंने, बट anyway, है ना, तो ये ऐसा तो शक्ति का अंदाज थोड़ी कर सकते हैं, पूरे मार्केट की बात है, anyway, ठीक है, देन दे डिड नॉट ओनली रेज्ड द रेपो रेट फ्रॉम 4% टू 4.4%, दे ऑल्सो रेज्ड CRR. What is CRR? Cash Reserve Ratio. Now, what is Cash Reserve Ratio? Bank के पास जो deposits आती है, आप और मैं bank को जो deposit देते हैं, उन deposit में से कुछ percentage bank को RBI में park करके रखना है, ठीक है, क्या करके रखना है, park करके रखना है. Now, when they are parking, the CRR, ठीक है, is a Cash Reserve Ratio, they are parking, RBI, and will not give them some return on it, but they'll have to park, ठीक है, which was earlier 4%, now it was increased by, you can say, 50 basis point, so it has become 4.5%, so which means, on an average, on a daily basis, 87,000 crore रुपया, you can say, economy में से RBI निकाल दिया, ये दो move के द्वारा, इतना सारा पैसा निकाल दिया, ठीक है, ये move के द्वारा, which is, in turn, what will happen in the market? In the market, interest rate will increase. In turn, आपने जो लोन लेके रखी है आपके व्हीकल की, आपके फोन की, आपके घर की, वो EMI आपके महंगे हो जाएंगे. Yes or no? So that way, it is going to be a troublesome scenario. ठीक है, but ज़रूरी है ना, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत बन जाएगी. क्यों दिक्कत बनेगी ये समझिए, है ना, ठीक है, मैं जो तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, कि भैया RBI ने ऐसा मूव किया तो क्या सही किया, उसका आंसर मैं पहले दे रहा हूं बिफोर आई एम जंपिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट व्हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि RBI ने ये इन्फ्लेशन के लिए ही
बिल्कुल बीच में एंटर करके वो एक महीना रुक सकते थे, ठीक है, और जून में ये अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और बीच में ही, ठीक है, 4 मई को अभी उनका पूरा महीना, मई का महीना बाकी था और उन्होंने इसको चेंज कर दिया, बराबर है। क्यों किया? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दोस्तों आरबीआई ने क्यों किया? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन और एक रिसेशन करके दो भाई है ना, कौन है? ब्रदर्स है, दिस आर दी टू ब्रदर्स कॉल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। व्हेन इन्फ्लेशन गो अप, ठीक है, दैट्स एन एल्डर ब्रदर, ठीक है, एंड दूसरा यंगर ब्रदर विल फॉलो हिम, ठीक है भाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिसेशन भी बढ़ेगा, दैट इज हाउ दिस सिस्टम इज हैपनिंग, बराबर। हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कोविड के दौरान हिट हो गई थी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वी सेड वी सप्लाई मोर मनी मोर मनी मोर मनी, पीपल विल गेट मोर मनी एंड देयर बाय व्हाट विल हैपन, पीपल विल डू बिजनेस, बट कितने समय तक करें? एक तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, सब कुछ महंगा हो रहा था, तो रिसेशन भी बढ़ जाता, लोग खरीद नहीं पाते, ये सन हो, ठीक है। तो इसकी वजह से लुक एट टर्की, जहाँ पे 65% इन्फ्लेशन है, ठीक है, हालत बड़ी ख़राब है। लुक एट श्रीलंका, इन्फ्लेशन ने बर्बाद कर दिया उनको, ठीक है। लुक एट व्हाट पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन ने बर्बाद किया। क्या हम ऐसी बर्बादी चाहते हैं? ना। सो देयर बाय व्हाट आरबीआई हैज डन इज दैट गुड? यस। तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि सर फिर स्टॉक मार्केट गिरा क्यों? भाई स्टॉक मार्केट का जो इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन होता है, ठीक है, व्हाट इज अ नी जर्क रिएक्शन? अभी कुछ हुआ और तुरंत, है ना, कुछ रिएक्शन आया, दैट तुरंत रिएक्शन ने मार्केट को नीचे गिराया। पर आप देखेंगे आज मार्केट आगे बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बर्बादी होगी, ठीक है ना। सो इट वॉज अ नी जर्क रिएक्शन। तो कल जो मार्केट गिरा, इट वॉज अ सेक्युलर डाउन टर्न, ठीक है, सेक्युलर कोलैप्स हुआ। सेक्युलर का मतलब हो गया कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कोई स्पेसिफिक सेक्टर इम्पैक्ट नहीं हुआ, पूरा मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड को क्यों परेशान कर रहा है, ठीक है भाई। इन्फ्लेशन परेशान करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कोविड 19 के दौरान पूरे वर्ल्ड में हुआ क्या। पूरे कोविड 19 के दौरान पूरे वर्ल्ड में मजेदार सी चीज़ हुई, लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक सी गई, ठीक है। तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हर इकोनॉमी ने, है ना, आसानी से लोगों को पैसा देना चालू करा, जिसके अंदर अमेरिका वॉज इन द फ्रंट रनर। अमेरिका स्टार्टेड टू गिव मोर एंड मोर मनी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई। इनफैक्ट उनकी इजी मॉनेटरी पॉलिसी कोरोना के पहले ही चालू हो गई थी, ठीक है, तो बहुत इजीली लोगों के पास पैसे मिल रहे थे, ठीक है। उसके सामने ये समझना बहुत मजेदार सा पॉइंट है, उसके सामने अमेरिका ने चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर हायर टैरिफ लगा दिया था, है ना, क्या लगा दिया था? हायर टैरिफ लगा दिया था। दोस्तों वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आज इगेन से कोई एक बंदा, है ना, मतलब अमेरिका में इगेन से जो जेरोम पॉवेल साहब है, दैट इज फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, ठीक है, अगर वो कहीं बीमार पड़ते हैं तो उसकी इम्पैक्ट उस दूसरे छोटे कंट्री कंबोडिया, है ना, नाउरू, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सब जगह पे हो सकती है, इतना ग्लोबलाइज्ड है, ठीक है। कोई कहीं दूर, एक मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं ना, कि एक बटरफ्लाई कहीं पे पंख घुमाता है तो कहीं पे सुनामी आ जाएगी, मतलब उस लेवल तक की बातें हो रही है ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। उधर अमेरिका ने अपने बलबूते पे अपने ही कंट्री के लिए कास्केडिंग इफेक्ट, सॉरी अपने ही कंट्री के लिए, अपने ही लोगों के लिए चाइना से, ठीक है, जो इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ा दी, टैरिफ बढ़ा दिया। उससे हुआ क्या? अमेरिका के लिए कॉस्ट तो बढ़ गई, तो अमेरिका के लोगों के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, ठीक है। एक तरफ मार्केट में पैसों का सप्लाई बहुत इजी था, सामने इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया। क्यों? क्योंकि सब कुछ चाइना से आ रहा है, सो दैट क्रिएटेड सम कैस्केडिंग इफेक्ट, बराबर है, ठीक है। सो दिस इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर टू, अनदर प्रॉब्लम क्रिएटेड वॉज रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से सेंक्शन लगा दिए। भाई सेंक्शन रशिया के ऊपर लगाए, यूक्रेन के ऊपर लगाए। यूक्रेन, ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है, वीट सप्लाई करता है, हमारे जैसे कंट्री को सप्लाई करता है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। अब जब सनफ्लावर ऑयल वो सप्लाई करता है, ठीक है, वहाँ से आना बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इम्पैक्ट तो आएगा ना, ठीक है। और वो इम्पैक्ट की वजह से अलग अलग कंट्रीज अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मतलब करीबन एपिसोड नंबर 25 में हमने देखा था कि इंडोनेशिया ने, है ना, इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया है,
ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो सैंक्शंस पूरे वर्ल्ड में रिपल इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट करता है। तो ये सब दिक्कतें हो रही है, ठीक है, और ये सब चीज़ें मतलब रशिया की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया अंदर अंदर लड़ाई कर रहा है कि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि नहीं स्टेट की गलती है, स्टेट बोलता है पीएम की गलती है, मतलब ये सब मिला जुला कर दिक्कत कहाँ पर हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आरबीआई ने उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मजेदार सी चीज़ करी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला मुद्दा आज का। सेकेंड मुद्दे पे बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया, ठीक है, वेरिन देयर वर प्ली, कुछ पिटिशंस, कुछ एक इनसे प्रेयर दाखिल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या गवर्नमेंट कंपल्सरी वैक्सीनेशन बोल लोगों को बोल रही है, क्या गवर्नमेंट की वो पॉलिसी सही है, हमारे इंडिविजुअल अधिकारों का क्या, ठीक है, हम नहीं चाहते, माई बॉडी माई राइट, मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए तो क्या करूँ, ऐसा नहीं, मुझे तो चाहिए, मैं कल ही तीसरा बूस्टर शॉट लगा के आया हूँ, ठीक है, सो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे नहीं, मतलब जिनको नहीं चाहिए उनकी बात है, मुझे तो चाहिए भैया, अच्छी बात है, ठीक है ना, आई एम विथ साइंस, आई एम विथ वैक्सीन, आई एम विथ दी गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट दैट डज नॉट मीन एवरी वन इज, ठीक है, समन लाइक दोज योकोविक वाले भाई साहब, है ना, ठीक है, योकोविक साहब ने बोला मेरे को नहीं चाहिए वैक्सीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला बेटा हम तेरे को एंट्री नहीं देने देंगे, तेरे को निकाल देंगे, है ना, बड़ी लड़ाई लड़की बेचारे को निकाल भी दिया, एनीवे, सो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया विच इज़ अबाउट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एक तरफ और दूसरी तरफ स्टेट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, ये दो चीज़ को बैलेंस कैसे करें, ठीक है, कैन एन इंडिविजुअल एज अ राइट टू रिफ्यूज वैक्सीनेशन, अगर गवर्नमेंट कोई लिमिटेशन लगाती है, कोई इम्पोज करती है, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे दो मुद्दे जो आपको समझ में आने चाहिए, वन इज जस्टिस केस पुट्टुस्वामी केस एंड अदर इज अगेंस्ट ए थ्री फोल्ड टेस्ट विच अगेंस्ट ए सुप्रीम कोर्ट गिव टू अंडरस्टैंड कि कब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ऐसा माना जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट लुक देयर इज बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, है ना, लोगों की अपनी बॉडीली इंटीग्रिटी है ना, और ऑटोनॉमी है, आपकी बॉडी आपका अधिकार। आप देख रहे होंगे अमेरिका में इसी बात के ऊपर बड़ी लड़ाई चल रही है आजकल, बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, ठीक है, उसके अंदर दिस बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टेड, दिस इज वॉट द आइडिया इज, सुप्रीम कोर्ट बैक गवर्नमेंट्स प्रेजेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू प्रिजर्व पब्लिक हेल्थ, बट दे सेड कि भैया अगर कोई बंदा वैक्सीनेट होने से डिनाई करता है, ठीक है, तो वो उसका अधिकार है ना, गवर्नमेंट उसके फ्रीडम को अनरीजनेबल वे में रोक नहीं सकते, उसको फ्रीडम टू ट्रैवल है, ठीक है, कि अगर वैक्सीन नहीं है तो आप मॉल में एंट्री नहीं कर सकते हो, वैक्सीन नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ऐसा सब चीज़ें नहीं चलेगा, ओके, दैट इज हाउ द आइडिया इज, ठीक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजेदार सा रीजन दिया, है ना, ठीक है, देखिए दोस्तों ये ना सबसे पुराना और टफेस्ट प्रॉब्लम है इन अ डेमोक्रेसी जो सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रही है ना, सबसे पुराना और सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्या सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट फॉर ग्रेटर गुड्स, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, टफेस्ट प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, अगर लोगों के इंडिविजुअल राइट तो देने ही पड़ते हैं, पर पब्लिक गुड के लिए, ग्रेटर गुड के लिए, क्या हम उस तरीके के अधिकारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मतलब हर तरीके की कोर्ट है ना पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे कोर्ट इन सब बातों को समझने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ पे रीज़न ज़रूर दिया कि लुक देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन इज वैक्सीनेटेड पीपल, अदर इज अनवैक्सीनेटेड पीपल, ठीक है, क्या वैक्सीनेटेड पीपल स्प्रेड लेस यू कैन से वायरस, ठीक है, या वो स्प्रेड ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पता ही नहीं है,
है ना, हमें लगता है कि वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, दोनों की टेंडेंसी स्प्रेड करने की सेम है, ठीक है। अगर कोई अनवैक्सीनेटेड है, ठीक है, उसको तो इम्पैक्ट है, और वो दूसरों को जो स्प्रेड करेगा वायरस, भैया वो तो दिक्कत है ना। जो वैक्सीनेटेड है, ठीक है, अगर उसको कोरोना है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ना, पर वो स्प्रेड तो वैसे भी करेगा। तो वो वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, दैट इज़ ऑफ द आइडिया इज बराबर है। तो कोर्ट ने बोला कि सेंटर को एक वर्चुअल पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनसे बनाना चाहिए द अर्लीस्ट टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल्स एंड डॉक्टर्स टू रिपोर्ट एडवर्स वैक्सीन इवेंट, है ना। उनको पब्लिक को बताना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से क्या क्या गलतियां हो रही है और उसमें क्या करना चाहिए, क्या पेडियाट्रिक वैक्सीनेशन करना चाहिए, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए कंपलसरी वैक्सीन देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि नहीं भैया, है ना, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि एक तो बाहर इमरजेंसी की सिचुएशन तो नहीं है, नंबर टू बच्चों के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट कोरोना का हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, बाहर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो उनको अननेसेसरी वैक्सीन देने का क्या मतलब है। तो 12 साल से छोटे बच्चों के लिए जो पेडियाट्रिक वैक्सीनेशन पॉलिसी है ना, उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भैया सरकार जो बोल रही है, WHO जो बोल रही है, हम उसी के मुताबिक जाएंगे। तो ये सब बैकग्राउंड आया कहाँ से, केस पुट्टू स्वामी केस 2017 में 9 जज की बेंच बैठी थी दोस्तों। आपको पता होगा 5 जज की बेंच जब बैठती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है। तो ये तो 9 जज, विच मीन्स इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। दे डिलीवर्ड यूनैनिमस वर्डिक्ट, 9 के 9 जज एक साथ मिलकर जजमेंट दे रहे हैं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के द्वारा राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है नो पर्सन, इट इज़ नॉट जस्ट सिटीजन्स बट एवरी वन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 21 में हमने सीखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। ओके, सो जब कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जब गवर्नमेंट है ना किसी के पर्सनल लिबर्टी को इंट्रूड कर रही है, ठीक है, तो कब उसको इंट्रूड माना जाए, कब इसको माना जाए फॉर द पब्लिक गुड हो रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला दैट 3-fold कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप मानेंगे कि भैया ये इंट्रूड कर रहा है ना या नहीं कर रहा है। पहला, द एक्टिविटी मस्ट बी बैक्ड बाय अ लॉ, गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, लॉ के द्वारा ही वो इस तरीके से इंट्रूजन कर सकती है। चलिए ये पहला हो गया, चलिए लॉ तो बना दिया, क्या वो लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए? बिल्कुल, स्टेट मस्ट हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट टू ब्रिंग सच अ लॉ दैट कोलाइड्स विद द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ठीक है, कैसे होना चाहिए, बोला जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, और रीजनेबल होना चाहिए, ये सुनो। एंड तीसरा, क्या स्टेट का इन्फ्रिंजमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एम, वो जो गोल अचीव करना चाहता है वैसा ही है? भाई मच्छर मारने के लिए कोर्ट ने बोल दिया कि लो AK-47 लो, लोगों मच्छरों को मारो, तो वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कोर्ट यहाँ हैंडल कर रही है, आपको भी एग्जाम में शायद इतना बड़ा मुद्दा आएगा कि क्या सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट टू यू कैन से सपोर्ट ग्रेटर गुड इज गुड और नॉट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव आजकल बड़े न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा जुलाई में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इज गेटिंग रिटायर्ड, ठीक है। एंड हु इज़ गोइंग टू बिकम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज व्हाट यू शुड टेल मी, बट एनीवे हियर द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया दैट प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू प्ले इन पिरारीवलन्स प्ले, गवर्नर हैज अ पावर टू गिव पार्डन। दोस्तों ये बात हो रही है राजीव गांधी एसेसिनेशन केस के बारे में, राजीव गांधी के हथियारों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो सेंटेंस था डेथ सेंटेंस उसको कम्यूट कर दिया था। अब बात चल रही है कि उनको मर्सी प्ली दे देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्या उसमें गवर्नर के पास पावर है, क्या प्रेसिडेंट तक जाने की बात है, ठीक है,
तो यहाँ पे लेकिन से जस्टिस एल नागेश्वर राव बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट, ठीक है, के पास पावर नहीं, इट इज गवर्नर। इफ गवर्नर टेक्स अ डिसीजन कि भैया इनको छोड़ देना चाहिए, इट इज अप टू देम। ठीक है दोस्तों, एक और मजेदार सी चीज, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सील्ड ज्यूरिसप्रूडेंस की, है ना, किसके बारे में बात हो रही है, सील्ड ज्यूरिसप्रूडेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सील्ड ज्यूरिसप्रूडेंस? बहुत बार कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट अपनी बातें, अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करती है तो वो सील्ड कवर में सबमिट करती है। सील्ड कवर मतलब सामने वाली पार्टी है उसको पता नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या सबमिट करा है, सील्ड कवर में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये सील्ड कवर ज्यूरिसप्रूडेंस है ना, उसको बंद करो। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में पता होनी चाहिए, ऐसे सीक्रेट वे में हमसे बात ना करो। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मीडिया वन को जो बैन कर दिया, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझो दोस्तों, मीडिया वन को बैन करना केरला में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोर्ट ने बोला, मतलब गवर्नमेंट बोलती है इट इज़ अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। भैया सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के खिलाफ है, और उसके लिए उन्होंने सील्ड कवर में सब कुछ दे दिया, तो आई बिलीव इट इज़ रियली नॉट अ गुड आइडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का आया, इंडिया 2021 में 142 पोजीशन में था, आज इंडिया पहुंच चुका है 150 में, हम गिरे हैं, है ना। नॉट ओनली इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब गिरे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, है ना, मतलब हम जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, श्रीलंका जहाँ पे गोताबाया राजपक्षा जी पूरा कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं, है ना, अफगानिस्तान में तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो बात ही क्या करना, अफगानिस्तान से भी पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, तो उसकी हालत तो कितनी खराब होगी, बांग्लादेश भी और बदतर। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की हालत कितनी भी बदतर हो पर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन पब्लिश करता है? ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इज कमिंग ऑन 3rd of May। 3rd of May इज नोन एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1993 में, है ना, उन्होंने ये रिकमेंड किया था, ठीक है, कि भैया हम इस पर्टिकुलर डेट को फ्रीडम डे, फ्रीडम ऑफ प्रेस डे मनाएंगे। 2022 का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। बड़ा महत्वपूर्ण है कि डिजिटल की दुनिया में, है ना, ये जर्नलिज्म के ऊपर बड़ा अटैक हो रहा है। ठीक है, फ्रीडम नहीं हो रही है। ठीक है, शायद उसी फ्रीडम को एलोन मस्क साहब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनो, टॉप एंड वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? टॉप परफॉर्मर है नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे, एस्टोनिया 4th पे, और फिनलैंड नंबर 5 पे है। नॉर्थ कोरिया रिमेन एट द बॉटम ऑफ 180 कंट्रीज के लिस्ट में, जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है प्रेस की, और रशिया 155 पोजिशन पे, चाइना, ठीक है, उससे भी बुरा 175 पे है। ठीक है, और इंडिया 150 पोजीशन पे है, हमसे बुरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ओके, सो दोस्तों ये पब्लिश कौन करता है? दिस इज गेटिंग पब्लिश्ड थ्रू, यू कैन से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक एसोसिएशन है, वो पब्लिश करता है। क्या भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस है? बिल्कुल है, अलग से नहीं है, पर हमारा आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के द्वारा, ठीक है, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ, वी कैन से, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड। इन 1950 वन ऑफ द वेरी फेमस केस कॉल्ड रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड आर्टिकल नंबर 19(1) एंड आर्टिकल नंबर 19(2), ठीक है, क्लियरली डिफाइन करता है दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ, वी कैन से, स्पीच, एंड देयर बाई फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अवेलेबल। भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, इट कम्स विद अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सो वी शुड नो दिस। ओके, चलिए, ग्रेट, आई होप आज का सेशन आपको जरूर पसंद आएगा, बिकॉज वी हैव कवर्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेरा मानना है कि इनमें से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट मिस आउट टू बी पार्ट ऑफ सुपर 1000 कोर्स। तगड़ा कोर्स है दोस्तों, है ना, हमारा एम है कि हम आपको टॉप एनएलयू में पहुंचाएं। ठीक है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आइए और ज्वाइन करिए प्रो टैलेंट को। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।